नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 40,000 साल पहले से भारत के सभी लोगों का डीएनए समान है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कई बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, इसलिए हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। हमारा देश फल फूल रहा है, हम अपने पूर्वजों का अनुकरण करते हैं, लिहाजा हमारी निष्ठा भी उनके प्रति है। धर्मशाला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीडिया सरकार का रिमोट कंट्रोल बताता है, लेकिन ये बात कतई सच नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक विश्व शक्ति नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से महामारी के बाद विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। यहां पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि ये सच है कि हमारे कुछ कार्यकर्ता सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन मीडिया हमें सरकार के रिमोट कंट्रोल के रूप में प्रस्तुत करता है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये असत्य है। सरकार हमारे स्वयंसेवकों को कोई आश्वासन नहीं देती है। लोग हमसे पूछते हैं कि हमें सरकार से क्या मिलता है, तो मैं ऐसे लोगों को बताता हूं कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें खोना भी पड़ सकता है। आप भी सुनिए मोहन भागवत का पूरा भाषण। हजारों वर्षों से चला है इतिहास, पूर्व काल से हम यहाँ पर है, पक्के हैं और चलते आ रहे हैं। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है, ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, हुआ है, राखी घड़ी में से भी वही सिद्ध होता है। तो हम समान पूर्वजों को पहुंचे, उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस कुछ बात में एक बात यह भी है कि इसके लिए त्याग बलिदान हुए हैं, और ऐसा करने वाले हमारे पूर्वज हमारे गौरव के विषय है, हमारी निष्ठा उनके प्रति, हमारा सम्मान उनके प्रति है, हम अनुकरण उनके जीवन का करते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।